हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। अगर आपको 16,000 के अंडर में एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन चाहिए या फिर कोई अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो हमने आपके लिए 5 ऐसे स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है जिससे आप 16,000 के अंडर में खरीद पाएंगे। इनमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर पाएंगे। कैमरा के अलावा पावरफुल प्रोसेसर मिल जाएगा जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग भी कर पाएंगे। अच्छा डिस्प्ले होगा, उसके साथ साथ हायर रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा और फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी होगा। बड़ा रैम स्टोरेज तो खैर मिलेगा ही। अगर आपको 16,000 के अंडर में एक अच्छा स्मार्टफोन या फिर कैमरा के लिए ही कोई अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो आप इन पांचों में से किसी भी फोन को ले सकते हैं और उम्मीद है कि आपको बाद में पछतावा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो हमारे लिस्ट में पांचवें नंबर पे आता है रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 11S। अगर आपको 16,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा और इनमें आपको प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का मिल जाएगा। तो क्या कुछ इस फोन में देखने को मिलेगा, चलिए एक एक करके इस फोन का फीचर को देख लेते हैं। तो इनमें आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा एमोलेड पैनल के साथ और 1000 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा जिससे आपको सनलाइट या आउटडोर में दिक्कत नहीं होगा। और इनमें आपको 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा और इनमें आपको कॉर्निंग ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। ये तो हो गया डिस्प्ले इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इनमें आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, थर्ड कैमरा फोर्थ कैमरा 2-2 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि माइक्रो फोटो और डेप्थ सेंसर के लिए है, और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। इन कैमरा के अंदर आपको काफी सारा मोड और फिल्टर मिल जाएगा। कैमरा जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा फोटोज वीडियोज क्लिक कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का। तो इनमें आपको MediaTek Helio G96 वाला प्रोसेसर मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ। हालांकि यह प्रोसेसर 12 नैनोमीटर पर ही बना हुआ है, बट प्रोसेसर जो है ना इस फोन का काफी पावरफुल प्रोसेसर है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का। तो इनमें आपको 5000mAh का बैटरी मिल जाएगा जिनको स्पीड से चार्ज करने के लिए 33W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा और बताया जा रहा है कि 58 मिनट में आपके फोन को फुल चार्ज कर देगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो इन्हें आपको 6GB का रैम तथा 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं आखिरी में इस फोन का प्राइस का। तो इस फोन का बेस वेरिएंट को लेने के लिए यानी कि 664 वाले वेरिएंट को लेने के लिए 16,098 रुपया देना होगा, यानी कि ये समझिए कि 16,100 रुपया इस फोन का प्राइस है। अगर आपको 16,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। और आपको बताते चले कि इससे भी अच्छा अच्छा फोन अभी हमारे लिस्ट में बचा हुआ है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। तो हमारे लिस्ट का फोर्थ नंबर पे आता है वीवो की तरफ से वीवो T1 5G। अगर आपको 16,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा और इनमें आपको प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है। कैमरा तो इस फोन का अच्छा मिलेगा ही, उसके साथ साथ पावरफुल प्रोसेसर भी दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर पाएंगे। तो क्या कुछ इस फोन में देखने को मिलेगा, चलिए एक एक करके इस फोन का फीचर को देख लेते हैं। तो इनमें आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा LCD पैनल के साथ और 460 निट्स का ब्राइटनेस मिल जाएगा। बात करें स्मूथनेस की तो 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। स्मूथनेस जो है ना इस फोन का काफी जबरदस्त दिया गया है जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर पाएंगे। ये तो हो गया डिस्प्ले इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का। तो इनमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला प्रोसेसर मिल जाएगा और यह प्रोसेसर 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। प्रोसेसर जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं और 4 लाख प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है। प्रोसेसर भी इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का। तो इनमें आपको 5000mAh का बैटरी मिल जाएगा जो कि सपोर्ट करता है 18W का चार्जर को। हालांकि देखिए चार्जिंग में थोड़ा मोरा समय तो लेगा, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आपको अच्छा खासा बैकअप भी दे देगा, इसलिए बैटरी भी इस फोन का काफी सही है। अब बात कर लेते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इनमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, वहीं सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है। कैमरा जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा फोटोज वीडियोज क्लिक कर पाएंगे और इन कैमरा के अंदर आपको काफी सारा मोड और फिल्टर मिल जाएगा। अगर आपको 16,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा कैमरा वाला ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो इनमें आपको 4GB का रैम एंड 128GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 1TB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं इनका अदर फीचर पे भी। तो यह फोन 187 ग्राम वेट के साथ आता है जो कि नॉर्मल ही है। 8.2 mm का थिकनेस यानी कि ज्यादा मोटा फोन भी नहीं है। 3.5
5mm वाला ऑडियो जैक मिल जाएगा। हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है जिससे आप दो सिम या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। यूजर इंटरफेस की बात करें तो फन टच OS 12 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस है। और सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं आखिरी में इस फोन का प्राइस का, तो इस फोन का बेस वेरियंट को लेने के लिए यानी कि 4128 वाले वेरियंट को लेने के लिए 15,990 रुपया देना होगा। अगर आपको 16,000 के अंडर में एक अच्छा ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। तो हमारे लिस्ट का थर्ड नंबर पे आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। ये फोन भी जो है ना काफी अच्छा फोन है। इनमें प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का मिल जाएगा। कैमरा तो काफी अच्छा है ही, उसके अलावा पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर पाएंगे। तो चलिए डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं इस फोन का भी फीचर को। तो इनमें आपको 6.6 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा TFT पैनल के साथ। और इनमें आपको 600 nits का पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा जिससे आपको सनलाइट या आउटडोर में दिक्कत नहीं होगा। बात करें स्मूथनेस की तो 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट 240Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। स्मूथनेस जो है ना इस फोन का काफी जबरदस्त दिया गया है जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर पाएंगे। ये तो हो गया डिस्प्ले। डिस्प्ले इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 50MP का दिया गया है, सेकेंड कैमरा 8MP का दिया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, थर्ड कैमरा 2MP का दिया गया है और सेल्फी कैमरा 8MP का दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। कैमरा जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा फोटोज वीडियोज क्लिक कर पाएंगे। और इनके अंदर में भी काफी सारा मोड और फिल्टर मिल जाएगा। कैमरा तो इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का, तो इनमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G वाला प्रोसेसर मिल जाएगा और यह प्रोसेसर 8nm पर बना हुआ है। प्रोसेसर जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर पाएंगे। और 3 लाख के आसपास इस फोन का अंतुतु स्कोर है। प्राइस के अकॉर्डिंग स्कोर भी काफी अच्छा है। बात करें बैटरी का, तो इनमें आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 25W का चार्जर को। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 4GB का रैम एंड 128GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 1TB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं इनका अदर फीचर पे भी। तो इस फोन का वजन आपको लगभग नॉर्मल ही दिखेगा क्योंकि इस फोन का वेट 198 ग्राम है और 8.4mm का थिकनेस है, यानी कि ज्यादा मोटा फोन भी नहीं है, ठीक ठाक ही है। इनमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाएगा जिससे आप 2 सिम एंड 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। यूजर इंटरफेस की बात करें तो UI कोर 4.1 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं आखिरी में इस फोन का प्राइस का, तो इस फोन का बेस वेरिएंट को लेने के लिए यानी कि 4128 वाले वेरिएंट को लेने के लिए आपको 15,999 रुपया देना होगा, यानी कि नेट 16,000 रुपया इस फोन का प्राइस है। अगर आपको 16,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। अगर आप चाहे तो इस फोन को भी ले सकते हैं। अदरवाइज वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। तो हमारे लिस्ट का फोर्थ नंबर पे आता है मोटो की तरफ से मोटोरोला J60। अगर आपको 16,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए जिसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा हो तो यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह फोन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है जिससे आपको एक भी ब्लॉटवेयर एप्स और एड्स नहीं दिखेगा। तो चलिए क्या कुछ इस फोन में देखने को मिलेगा एक एक करके इस फोन का फीचर को देख लेते हैं। तो इनमें आपको 6.7 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा IPS LCD पैनल के साथ। डिस्प्ले इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है और इनमें आपको 120Hz का हायर रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। ये तो हो गया डिस्प्ले। डिस्प्ले इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकेंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है और सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का दिया गया है। अब पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर और 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर एंड 60fps पर, और फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे केवल 30fps पर। और इनके अंदर में भी आपको काफी सारा मोड और फिल्टर मिल जाएगा। कैमरा जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का, तो इनमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G वाला प्रोसेसर मिल जाएगा और यह प्रोसेसर भी 8nm पर बना हुआ है। प्रोसेसर भी इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। बात करें बैटरी का, तो इनमें आपको 6000mAh का एक बड़ा बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 20W का चार्जर को। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 6GB का रैम एंड 128GB के स्टोरेज
स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। इस फोन का भी प्राइस को बाद में बताएंगे, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इनका अदर फीचर पे। तो ये फोन आपको थोड़ा मोरा भारी महसूस तो कराएगा, क्योंकि इस फोन का वेट 220 ग्राम है और भारी होने का सबसे बड़ा रीजन है कि इसमें 6000 एमएच का बैटरी दिया गया है। 9.6 एमएम का थिकनेस है, थिकनेस थोड़ा सा ज्यादा जरूर है बट ठीक ठाक ही है, फीचर काफी अच्छा दिया गया है। 3.5 एमएम वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा, हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है जिससे आप दो सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। और आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह फोन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, जिससे आपको एक भी ब्लॉटवेयर एप्स और एड्स नहीं दिखेगा, जो कि रन करता है एंड्रॉइड 11 पर। अब बात करते हैं आखिरी में इस फोन का प्राइस का, तो इस फोन को लेने के लिए फिलहाल 15,999 रुपया देना होगा, यानी कि नेट 16,000 रुपया इस फोन का प्राइस है। अगर आपको 16,000 के प्राइस रेंज में अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। प्लस यह फोन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, जो कि काफी अच्छा है। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अदरवाइज वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का आखिरी फोन का। तो हमारे लिस्ट का आखिरी फोन आता है Redmi की तरफ से, Redmi Note 10 Pro। हालांकि देखिए यह फोन थोड़ा सा पुराना जरूर है, लेकिन अभी के टाइम में भी यह फोन काफी अच्छा फीचर के साथ आता है। प्राइस के अकॉर्डिंग इनमें आपको सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का मिल जाएगा। तो क्या कुछ इस फोन में देखने को मिलेगा, चलिए एक एक करके इस फोन का फीचर को देख लेते हैं। तो इनमें आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा AMOLED पैनल के साथ, और 1200 nits का पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा, जिससे आपको डे लाइट या आउटडोर में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। और इनमें आपको 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। स्मूथनेस जो है इस फोन का काफी जबरदस्त दिया गया है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर पाएंगे। और इनमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। यूजर इंटरफेस की बात करें तो MIUI 12 के साथ आता है, जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस है। और इनमें आपको हाइब्रिड स्लॉट मिल जाएगा, जिससे आप दो सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है। थर्ड कैमरा, फोर्थ कैमरा 5-5 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि टेली माइक्रो और डेप्थ सेंसर के लिए है। और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर, और 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर एंड 60 FPS पर। कैमरा जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। और इनके अंदर में भी आपको काफी सारा मोड और फिल्टर मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का, तो इनमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G वाला प्रोसेसर मिल जाएगा, और यह प्रोसेसर 8 नैनोमीटर पर बना हुआ है। प्राइस के हिसाब से प्रोसेसर जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, और 270,000 प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर है। प्राइस के अकॉर्डिंग स्कोर भी ठीक ठाक ही है। बात करें बैटरी का, तो इनमें आपको 5020mAh का बैटरी दिया गया है, जो कि सपोर्ट करता है 30 वाट का चार्जर को। हालांकि चार्जिंग में लगभग एक घंटा टाइम तो ले ही लेगा, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे, आपको अच्छा खासा बैकअप दे देगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 6GB का रैम तथा 128GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। और इनमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट भी मिल जाएगा, जिससे आप दो सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। अब बात करते हैं आखिरी में इस फोन का प्राइस का, तो इस फोन को लेने के लिए आपको 15,999 रुपया देना होगा, यानी कि नेट 16,000 रुपया इस फोन का प्राइस है। अगर आपको 16,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए कैमरा के लिए, तो यह फोन एक अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए। वैसे भी आपके पास 5 ऑप्शन है, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर होगा। यही था दोस्तों आज का वीडियो, उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।